What's up and welcome back to SC Picture with another vlog. So guys, today we are going to do reception video shoot. तो गाइस जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि अब मैं इस चैनल पे आपको कंटिन्यू ब्लॉग या फिर कोई ना कोई वीडियो देता रहूंगा, जैसे एडिटिंग ट्यूटोरियल हो गया, ब्लॉग हो गया। तो आज का ब्लॉग बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही मजा आएगा। आज के इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा कि हम वीडियो शूट कैसे करते हैं, जो कि वेडिंग शूट हो गया या फिर रिसेप्शन शूट हो गया, कोई भी फंक्शन हो गया, उसकी वीडियो हम कैसे शूट करते हैं। तो इसी का वीडियो मैं आपको दिखाने वाला था। सडनली देवप्रिया का फोन आया मेरे पास, मैं सो रहा था क्योंकि तीन चार दिन से मैं कंटिन्यू काम किए जा रहा हूँ, ठीक है। तो देवप्रिया का मेरे पास फोन आया कि आज भी जाना है दिल्ली। मैंने सोचा आज रेस्ट करूंगा, लेकिन नहीं, फोन आ गया। तो अब यहाँ से हम जा रहे हैं दिल्ली, तो मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉग भी बनाया जाए साथ ही साथ, ठीक है। तो आपको मैं इन सब का वीडियोस भी दिखाऊं। तो अब यहाँ से निकलते हैं फटाफट दिल्ली और देखते हैं क्या सीन है। पार्टी बढ़िया हुई तो मस्त ब्लॉग बनेगा, और पार्टी ऐसी रही तो फिर मैं ब्लॉग ही नहीं बनाऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. फाइनली अभी हम मेट्रो में बैठ चुके हैं। अब हम यहाँ से जा रहे हैं मालवीय नगर, मालवीय नगर में जहाँ पे हमें बंदा लेने आएगा, जो कि हमारा मेन लोकेशन है, ठीक है। तो अब वहाँ पर जाएंगे, देखेंगे क्या सीन है क्या नहीं है, जो कि हम गार्डन में जाना है या होटल में जाना है अभी मैं खुद नहीं पता। तनवीर शाही ने बस हमें भेज दिया, मैं तो घर पर मस्त सो रहा था, ज़बरदस्ती उठा के भेजा गया। और ये भी कल वेडिंग कर गया पूरी रात जग के, अब आज फिर जा रहे हैं काम करने, देखते हैं वहाँ का क्या सीन है। यार मैंने सोचा क्यों ना यार जा रहा हूँ तो साथ ही साथ ब्लॉग भी बनाता हूँ, वेडिंग शूट भी दिखाता हूँ आपको, वेडिंग शूट कैसे होता है। तो बने रहना लास्ट तक, ब्लॉग बहुत ज़्यादा मस्त होने वाला है। चौथी वेडिंग लगातार है। आज ये चौथी पांचवी है ना, पांचवी वेडिंग है हमारी कंटिन्यू, यहाँ हम काम किए जा रहे हैं बिना सोए बिना कुछ खाए पिए। तो अब ये लास्ट है शायद, बाकी अब तो सीज़न ख़त्म ही है, अब अप्रैल से स्टार्ट होगा तो ये लास्ट है, ये भी कर लेते हैं। बाकी तो 28 को तो मज़े ही आ जाएगा। जब हम अपने करंट लोकेशन पर आ चुके हैं, अब मैंने यहाँ से जो क्लाइंट को फ़ोन किया तो क्लाइंट ने मुझे अपना लोकेशन सेंड किया। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ लोकेशन पर, जो कि किसी मस्जिद में प्रोग्राम है, ठीक है, मोमडन का प्रोग्राम है, वहाँ जाते हैं, देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं है। तो चलते हैं, अब और मज़ा आने वाला है ब्लॉग में, चलो। फाइनली अब हम जो है लोकेशन पर पहुंच चुके हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाई दिया कितनी बढ़िया लोकेशन है यहाँ पे, मतलब कुछ ढंग का ही शूट होगा आज। तो अब यहाँ का हम लेंगे पहले डेकोरेशन का सीन, जो कि सबसे मेन जो होता है, अगर हम लड़की वाले की तरफ से जाते हैं तो सबसे पहला काम हमारा ये होता है डेकोरेशन का सीन, ठीक है। तो पहले यहाँ से हम लेंगे डेकोरेशन, ठीक है, फिर उसके बाद जो कि आज वैसे कोई वेडिंग नहीं है, रिसेप्शन का ही प्रोग्राम है, तो रिसेप्शन ही करेंगे यहाँ पे, और पहले लेंगे डेकोरेशन का सीन, फिर खाने वाने का सीन लेना है। बाकी इसमें कुछ ज़्यादा कोई लंबा प्रोसेस नहीं होता, बस स्टेज होता है मेन, और हमें जो कपल फ़ोटो लेनी होती है वो होता है। तो अब यहीं से होगा हमारा काम स्टार्ट। और भाई बड़ा घूमने फिरने के बाद हम यहाँ तक पहुँचे हैं, कभी येलो लाइन कभी वॉलेट लाइन, तो सब कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ पर आ चुके हैं फाइनली। लोकेशन है बिल्कुल जैनमैन दिल्ली में, इस टाइम हम मालवीय नगर में, अगर किसी को मिलना है तो आ जाना।
तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम एंड लेट गेट स्टार्ट। मेरा जो सबसे मेन काम था वो था डेकोरेशन का, ठीक है। तो डेकोरेशन का मैंने सबसे पहला काम जो मैंने कंप्लीट कर दिया फाइनली, ठीक है। अब हम कर रहे हैं इनके गेस्ट के आने का वेट, ठीक है। गेस्ट जब आएंगे तो मैं उनके एंट्री का पूरा गेट पर जाके पूरा पूरा सीन लेना है, ठीक है। फिर जो कपल आएंगे कपल का पूरा एंट्री का सीन लेना, और बाकी जो हमारा रिसेप्शन में पूरा काम होता है वो पूरा का पूरा काम होता है स्टेज पर ही, ठीक है। तो सारा काम स्टेज पर ही करेंगे। इनके गेस्ट जो आएंगे उनकी फ़ोटो लेना है कपल के साथ, ठीक है। और फिर सिंगल पोर्ट्रेट होगा, फिर कपल पोर्ट्रेट होगा। तो यहाँ पर कोई इतना बढ़िया खास लोकेशन तो है नहीं कहीं और पोर्ट्रेट लेने के लिए। अब हम जामा मस्जिद तो ले जाएंगे नहीं, हमारे को मकबरा तो ले जाएंगे नहीं, तो स्टेज ही सबसे बेस्ट लगा हमें। तो स्टेज पर ही लेंगे यहाँ पर हम कपल पोर्ट्रेट, ठीक है। तो बाकी आप वीडियो देखते ही रहना कैसे होती है वेडिंग शूट, कैसे रिसेप्शन शूट होता है, ठीक है। तो आप भी आज देख लो एक फोटोग्राफर की लाइफ क्या होती है। तो गाइस यहाँ पर जैसा कि देख सकते हो दुनिया का साला सबसे बड़ा हफ्सी प्लेट देख रहे हो, कैसे भर के लाया था, बिरयानी ले गया है दो प्लेट हफ्सी, काम गया भाड़ में, कैमरा यहीं रख के खाना खा रहा है, उससे बड़ा हफ्सी है रहा। कितने बड़े हफ्सी है ये।
टोटली हमारा सूट जो है वो पूरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं यहाँ रोड पर अकेले खड़ा हूँ, इन दोनों के आने का वेट कर रहा हूँ जैसा कि आप देख सकते हो, ठीक है। और शाहिद और ये केडी, ये दोनों के दोनों अभी अंदर ही हैं। अभी कुछ फ़ोटोज़ मतलब रह रही है इनकी फैमिली फ़ोटोज़ जो कि क्लिक करके आ रहे हैं। तब तक मैंने कैब बुक कर दिया और मैं यहाँ पर खड़ा होकर वेट कर रहा हूँ कैब के आने का, क्योंकि अभी हमें यहाँ से समथिंग 25 किलोमीटर दूर जाना है फरीदाबाद में, ठीक है। तो हमारा लोकेशन तो आज यहाँ दिल्ली का ही था, मालवीय नगर में, ठीक है। तो यहाँ का हमारा सूट जो है ऑलरेडी पूरा कंप्लीट हो चुका है सब कुछ। अब मैं कैब का वो वेट कर रहा हूँ, क्योंकि यार मेट्रो यहाँ 11 बजे के बाद बंद हो जाती है, तो मेट्रो वेट्रो कुछ चल नहीं रही, तो मैंने कैब बुक कर लिया। अब कैब आ रही है, अब हम यहाँ से निकलेंगे। तो गाइस ये दोनों भी आ गए हैं, ठीक है। इनका भी सूट जो है वो कंप्लीट हो गया। मैं तो बस बाहर व्लॉग के लिए आया था, ठीक है। बाहर रोड बिल्कुल खाली है, देख सकते हो कितना मस्त सीन हो रहा है यहाँ पे, लेकिन फोटो शूट नहीं कर सकते हैं, प्लांट लग जाएगी। तो अब यहाँ पर मैंने कैब वैब सब चीज़ बुक कर दिया। अब कैब वाले का और वेट, उन्होंने बोला जस्ट 3 मिनट लगेगा, 3 मिनट वेट करते हैं। 3 मिनट में कैब वाले ने यहाँ से बताओ, कम से कम यहाँ से 25 किलोमीटर जाना है, 25 किलोमीटर के 1200 रुपये, बहुत बढ़िया यार। रात के टाइम तो भाई इनके भाव बढ़ जाते हैं। तो अब यहाँ से निकलेंगे, घर भी जाना है बहुत ही जल्दी और सोना भी है। 3-4 दिन से कंटिन्यू काम किए जा रहे हैं, अब रिलैक्स, नींद उड़ा रखी है। तो गाइस फाइनली गाड़ी आ गई। सब सामान सेट है ओए, फोन का बैटरी का चार्जर वार्जर सब चीज ले लिया था ना, चले। सो गाइस अब हमें वो कैब वाले ने यहाँ पर ड्रॉप कर दिया अपने लोकेशन पर, ठीक है। अब हमारा घर यहाँ से कुछ दूर पर ही है, आई थिंक 100 मीटर, ठीक है। तो अब हम जा रहे हैं पैदल अपने घर, और शाहिद चला गया, शाहिद अपने घर चला गया, ठीक है। केडी मेरे साथ ही रहता है क्योंकि गली में ही रहता है, तो हम जा रहे हैं साथ में। बाकी बैग वैग कैमरा सेटअप सब कर जाएगा स्टूडियो पर। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करो, और साथ ही साथ करो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और मुझे इंस्टाग्राम पर ही फॉलो करो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।